मुंबई में महालक्ष्मी सरस 2023-24 को मिली बहुत अच्छी सफलता के कारण राज्य सरकार ने इस वर्ष नागपुर में अतिरिक्त महालक्ष्मी सरस का आयोजन करने का निर्णय लिया है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सौम्या शर्मा इनके द्वारा दी गई। नागपुर में 17 से 26 फरवरी 2024 की अवधि के दौरान महालक्ष्मी सरस का आयोजन किया गया है और इसे भी नागपुर के लोगों से बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। ऐसा कहते हुए शर्मा बोले कि महालक्ष्मी सरस में कुल 300 स्टॉल होंगे, जिनमें 100 फूड स्टॉल और 200 अन्य स्टॉल शामिल होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को विपणन प्रदान करने के लिए राज्य स्तर, संभाग स्तर और जिला स्तर पर प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है। 2004 से ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत मुंबई में महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। देश स्तर पर हर राज्य में बिक्री एवं प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पिछली बार उम्मीद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 19वीं महालक्ष्मी सरस बिक्री प्रदर्शनी 26 दिसंबर 2023 से 8 जनवरी 2023 तक बीकेसी मुंबई में आयोजित की गई थी। प्रदर्शनी को मुंबई और उसके आसपास के विक्रमी प्रतिसाद मिला है। वर्ष 2011 से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्राम विकास विभाग के तहत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन संवर्धन मिशन 34 जिलों के 351 तहसील में लागू किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से स्वशक्तिकरण समूह में महिलाओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें सफल उद्यमियों के रूप में नई पहचान बनाने का अवसर पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है। नागपुर जिले में दिनांक 17 से 26 फरवरी तक महालक्ष्मी सरस का आयोजन हो रहा है। यह सरस, महालक्ष्मी सरस राज्य स्तर का इवेंट है और दर वर्ष यह सरस मुंबई में होता है। पहली बार नागपुरकर को संधि मिली है, चांस मिला है कि पूरे महाराष्ट्र से जो टोटल हमारे बचतगढ़ हैं, हर जिले की जो विशेषता है, ऐसे सभी बचतगढ़ नागपुर में आने वाले हैं और 10 दिन तक ये रेशम बाग में चलने वाला है इवेंट। तो सभी लोगों से ऐसी विनंती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और महालक्ष्मी सरस में जो महिला बचतगट आ रहे हैं, ऐसे एक टोटल हमारे पास 300 स्टॉल्स आने वाले हैं, तो इन महिला का आप पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए भारी संख्या में आए, ऐसी हमारी विनंती है। यह जो हमारा महालक्ष्मी सरस है, इसमें नागपुर जिले को टोटल 11 स्टॉल्स मिले हैं। इन 11 स्टॉल्स में हमारा फोकस रहेगा साउजी क्यूजीन पे, जो यहाँ का एक बहुत विशेष क्यूजीन है, और उसके साथ साथ नागपुर में भीवापुरी मिर्ची से जुड़े बहुत सारे बचतगट हैं। इन भीवापुरी मिर्ची को हमने बहुत तरीके से सपोर्ट किया है, उनको अच्छी पैकेजिंग और ये सब दिया है, तो भीवापुरी मिर्ची भी एक हमारा इम्पोर्टेंट स्टॉल इसमें रहेगा। और इसके साथ साथ नागपुर जिला परिषद और DRDA के थ्रू हमारे कुछ बचत गट को हाइड्रोपोनिक्स के साथ जोड़ा गया है, जिससे जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि लेटुस, बेल पेपर, चेरी टोमेटो, इस टाइप के जो ब्रोकली, ऐसे जो वेजिटेबल्स हैं, ये महिला हाइड्रोपोनिक्स से अपने छोटे से सेटअप में कर रहे हैं, जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनको सभी को प्रतिसाद देने के लिए ये स्टॉल्स भी वहाँ पे हम इंक्लूड करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हर जिले की जो विशेषता है, जैसे कि कोल्हापुर की चप्पल है, पैठनी साड़ी है, कोंकण के वुडन टॉयज हैं, फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं, गढ़चिरौली गोंदिया से हमारे जो महुआ और बाम्बू बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको भी इसमें प्रतिसाद मिलेगा। तो इसलिए हम विनंती करते हैं कि एक जगह पे आपको पूरे महाराष्ट्र की जो विशेषता है वो एक स्थान पे उपलब्ध होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ के लोग, विदर्भ के लोग आएँ और इन महिला को सपोर्ट करें। अभियान के तहत महिलाओं की आजीविका पर जोर दिया गया है और अब तक 6,39,291 स्वयं सहायता समूह, 30,767 ग्राम संगठन, 1,850 वार्ड संघ, 307 महिला किसान उत्पादक कंपनियां और 10,714 उत्पादक समूह स्थापित किए गए हैं। अभियान से 63 लाख से ज्यादा महिलाएं सीधे तौर पर जुड़ी हैं। ग्रामीण महिलाएं लंबे समय से पारंपरिक और गैर पारंपरिक कृषि और गैर कृषि व्यवसाय से जुड़ी हुई है। अभियान में अधिकांश महिलाओं ने खुद को सफल उद्यमी के रूप में स्थापित किया है और विभिन्न उत्पादों का निर्माण करी है। महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनी मुख्य रूप से देश और राज्य के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और ग्रामीण कारीगरों के लिए है। निर्मित उत्पादों के लिए सही बाजार उपलब्ध कराना और समुदाय के सदस्यों को विभिन्न राज्यों के उत्पादों, बिक्री और बाजारों के बारे में जानकारी प्रदान करना और राज्य को लोगों के जीवन स्थितियों, खाद्य संस्कृति और हस्तशिल्प आदि से परिचित कराना है। शहरी क्षेत्र के लोगों को प्रामाणिक देशी ग्रामीण उत्पाद, खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराकर एक दूसरे को देना है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ श्रुतिजा देशमुख की रिपोर्ट।